चलिए आज का जो टॉपिक है वो है भारत देश एवं बिहार की पर्वत श्रेणी। अच्छे से समझने का प्रयास करना है आप लोगों को कि जो पर्वत श्रेणी है खास करके पूरे देश के अंदर और बिहार के अंदर, तो उसमें कौन कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। निश्चित तौर पे आपके एक प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि अभी आपके सामने में भारत का मैप दिख रहा है, तो कहाँ पे कौन सा है वो आगे हम यहाँ पर मैप के माध्यम से दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पर्वत होता क्या है, पर्वत कहते किसको हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो पर्वत क्या होता है कि जब जमीन के अंदर का मैग्मा और वह जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है या कोई भी प्राकृतिक घटना घटित होती है, तो अंदर का मैग्मा क्या होता है कि बाहर आकर के जम जाता है और 5000 मीटर तक ऊपर जम सकता है। और जब वही बाहर निकल करके जम जाता है पर्यावरण वातावरण से, तो वही पहाड़ का निर्माण कर देता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, जब ज़मीन के अंदर का मैग्मा 5000 मीटर के ऊपर तक जम जाता है या जमता है, तो पर्वतों का निर्माण होता है। क्या चीज़ का निर्माण होता है? पर्वतों का निर्माण होता है। तो पर्वत जान गए कि किसे कहते हैं। उसके बाद आपका जो देश में सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है, ठीक है, वो आपका अरावली पर्वत श्रेणी है। और यह कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में, माउंट आबू। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है माउंट आबू राजस्थान में, वो अरावली पर्वत का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना पर्वत हमारे देश में कौन सा है, तो वो है आपका अरावली। कौन सा है? अरावली। और यह मुख्य रूप से कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। और इसका निर्माण क्या चीज़ से हुआ है? तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ है। ज्वालामुखी क्या होता है? जब पृथ्वी के अंदर का मैग्मा जब बाहर निकलता है, और वो क्यों निकलता है? देखो, पृथ्वी के गर्भ में भी जो तरल पदार्थ है, गैस है अंदर में, जब क्या होता है कि उच्च वायु दाब या ताप के कारण पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है वो पृथ्वी को संतुलित करने के लिए, अगर वह नहीं निकलेगा तो हो सकता है कि पृथ्वी टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो अंदर का जो गैस है, जो वायु दाब है, जो टेम्परेचर है, वो बाहर निकल जाता है ज्वालामुखी के माध्यम से, और पृथ्वी के गर्भ में तरल पदार्थ पाए जाते हैं जिसको लावा मैग्मा कहते हैं। जब वही बाहर निकलता है तो जम जाता है और वही चट्टान या पर्वत का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि अरावली पर्वत का भी निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से ही हुआ है। और दूसरा स्थान हिमालय पर्वत का है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की चोटी, अगर पूरे पूछे कि इस विश्व में सबसे ऊंची चोटी कहाँ की है, तो वो है हिमालय की चोटी, एवरेस्ट की चोटी। अगर पूछेगा एवरेस्ट कहाँ पे है, तो नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। और एवरेस्ट और हिमालय, जो एवरेस्ट की चोटी है उसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा, ठीक है। और ये जो कभी हिमालय जहाँ पे अभी है, कभी वहाँ पे महासागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? महासागर। और 33 नाम का महासागर था, जिसके अंदर क्या हुआ कि आपस में चट्टान जो है टकराए, प्लेट बर्तन की क्रिया हुई और यहाँ पे पहाड़ का निर्माण हो गया। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर प्लेट है, बहुत सारा प्लेट है जो कि तरल पे तैरते रहता है। जब ये आपस में टकराता है तो यही पृथ्वी का जो प्लेट है, जब ये दोनों टकराएगा तो बाहर की ओर निकल जाएगा, ठीक है, और वही पर्वत श्रेणी बन जाता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर है कि हिमालय पर्वत नवीन पर्वतमाला में आता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। कितना है? 8848 मीटर। अगर पूछेगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको एवरेस्ट बताना है। अगर भारत का पूछे, अगर भारत का सबसे ऊंची चोटी पूछे, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन बोलना है। क्या बोलना है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। क्या बोलना है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन अगर आपका कंचनजंगा लिखा रहे, K2 गॉडविन ऑस्टिन नहीं दे, तो आप उस केस में कंचनजंगा को लगाएंगे। क्यों? चूंकि यह जो है
केटू काराकोरम दर्रा में गॉडविन ऑस्टिन वह पीओके का भाग हो चुका है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उस पर भारत का कब्जा नहीं है, लेकिन भारत उसको अपने नक्शे में दिखाता है। अगर आप भारत का नक्शा देखते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो ये वाला पार्ट जो है आपका पीओके ले रखा है, मतलब पाकिस्तान के अंदर है, और ये वाला पोर्शन जो है चीन के अंदर है, ठीक है। तो आपका दोनों सिंग गायब है देश का, लेकिन हम अभी भी नक्शा जो बनाते हैं अपने देश का उसमें दोनों सिंग को बरकरार रखते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि दोनों सिंह जो है आपके भारत का जो ये दोनों देख रहे हैं, ये दोनों जो है कब्जा कर लिया गया है, ठीक है, एक पाकिस्तान के द्वारा और एक चीन के द्वारा, ठीक है। तो यहीं पे आपका केटू गॉडविन ऑस्टिन है, तो कई बार इसको अगर नहीं मानेगा तो कंचनजंगा जो सिक्किम में है उसको जो है यहाँ पर हो सकता है भारत का सबसे ऊँची चोटी में दर्शाया जाएगा, तो वो भी थोड़ा ही कम है, 8848 ये है, तो वो भी लगभग 8500 कुछ है वो, ठीक है, थोड़ा ही छोटा है उससे, ज़्यादा छोटा नहीं है। तो देखिएगा जो भी ऑप्शन हो उसके हिसाब से आप आंसर मारेंगे। अगर ऐसे पूछे तो केटू गॉडविन ऑस्टिन, अगर ऑप्शन में कंचनजंगा दे दे तो उसको भी हम मार सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाइए हिमालय का जो पार्ट है, सबसे जो पर्वतमाला में सबसे लंबा पर्वतमाला श्रेणी जो है वो हिमालय का ही पर्वतमाला श्रेणी है, और वो देखिए कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इधर यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, ऐसे जाते जाते ये यहाँ 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 तक आपका फैला हुआ है, ये सारा आपका हिमालय का ही पर्वत श्रेणी माला है, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पूर्व की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, ये सारा जो आपका बॉर्डर एरिया है ये सारा पर्वतमाला है, और सारे हिमालय पर्वतमाला ही हैं। क्या है? हिमालय पर्वतमाला ही है, यानी भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में, उत्तर और उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले आपका है पंजाब हिमालय, तो आप जानते होंगे कि पंजाब आपका यहीं पर है, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली होगा, यहाँ पे आपका हरियाणा, इसके बगल में पंजाब। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है देखिए पंजाब हिमालय किसको कहा गया है, अब केटू गॉडविन ऑस्टिन इसी में है, पंजाब हिमालय का ही पार्ट है। अगर पूछेगा कि पंजाब हिमालय, तो पंजाब के एरिया में, ठीक है, होगा पंजाब हिमालय, और वो पंजाब के ही बगल में फिर उधर जा कर के पाकिस्तान हो जाता है, बाघा बॉर्डर, आपने नाम सुना होगा बाघा बॉर्डर, कभी गए भी होंगे, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, इधर जम्मू कश्मीर है, इधर आपका पंजाब है, तो यहाँ पे इधर से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया होगा, ठीक है, वो आपका पंजाब बॉर्डर, पंजाब का एरिया होगा और पंजाब हिमालय का पार्ट होगा, और उसी में केटू गॉडविन ऑस्टिन है। केटू गॉडविन ऑस्टिन किसका पार्ट है? तो पंजाब हिमालय का पार्ट है। दूसरा है आपका कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, इसके अंतर्गत धौलागिरी है, नंदा देवी। जब आप उत्तराखंड जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कुमायूं हिमालय का पार्ट, और उसमें धौलागिरी नंदा देवी जगह है उत्तराखंड में, वो सबसे ऊंची चोटी है कुमायूं हिमालय का। तो पहले तो ये यूपी का ही पार्ट था, जैसे यहाँ पे आपका बिहार दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा है? बिहार है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे आपका यूपी और उसके ऊपर उत्तराखंड है, तो यहाँ के आसपास आपको दिखेगा कुमायूं हिमालय, और नंदा देवी वहीं का सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, नंदा देवी, या उसको धौलागिरी कहते हैं। उसके बाद नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय का शुरुआत बिहार और नेपाल, देखो यहाँ पे बॉर्डर सटता है, यहाँ पे है नेपाल, तो यहाँ का जो पार्ट होगा इधर वाला वो आपका नेपाल हिमालय का पार्ट होगा, और इसी में सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की चोटी ही है, और वो हिमालय का ही पार्ट है। लंबाई आपको हमने बता ही दिया 8848 मीटर, ठीक है, और नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? सागर माथा। क्या कहा जाता है? सागर माथा। अब आइए बिहार के बगल में, इधर जो है आपका ये वाला पार्ट असम हिमालय कहलाता है, और इसी का पार्ट है आपका कौन सा? कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है आपका असम हिमालय का पार्ट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है, ठीक है, असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कंचनजंगा है। तो हिमालय को मेन रूप से हमने चार भागों में बांट दिया,
पंजाब हिमालय, इधर से हम शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, इधर होते हुए इधर आएंगे और सारे में हिमालय पर्वत है, ठीक है। अब दक्षिण भारत की के बारे में यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा मैप बड़ा करके पहले थोड़ा थोड़ा आपको दिखा देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, ठीक है, कौन सा पर्वत श्रेणी कहाँ पर है। देखिए एक बार अच्छे से देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए आपको अन्नामलाई दिख रहा है, अन्नामलाई नहीं तमिलनाडु, अन्नामलाई चेन्नई में आप सुने होंगे, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी वहीं पे है। नीलगिरी पहाड़ी देखो, पूर्वी और पश्चिमी छोर को मिलाने वाली पर्वत क्या है, नीलगिरी पहाड़ी है। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो है दोद्दा बेट्टा है, कौन सा है, दोद्दा बेट्टा है। यहाँ पे देखिए कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं केरल के तरफ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो सतपुरा की पहाड़ी है, सतपुरा के घने जंगल आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत को इससे पार होके ही मिलना पड़ता है। रामगढ़ की पहाड़ी आपको मिलेगा किधर, तो झारखंड के तरफ, हजारीबाग का पठार मिलेगा, कैमूर का पठारी भाग जो मिलेगा बिहार में मिलेगा, विंध्य पर्वत श्रेणी विंध्याचल, ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। अरावली कहाँ मिलेगा, अभी तुरंत बताए थे, राजस्थान में। उसके बाद आपका मांड श्रेणी है, इधर आपका गिरी पर्वत है जो कि गुजरात में मिलेगा। ये सब डायरेक्ट पूछ देता है कौन सा पर्वत श्रृंखला कहाँ है। तो इधर देखो क्या क्या है, डाफला पहाड़ी मिसर, ये सब आपका पूर्वी जो आपका राज्य है उसमें है। उसके बाद जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये सब मेघालय का पार्ट है, ठीक है, गारो खासी जयंतियाँ आपने नाम सुना होगा, जनजाति भी है। मिंजो हिल्स मिजोरम में है, नागा हिल्स नागालैंड में है। तो इस प्रकार से बहुत सारे पर्वत हैं भारत में, ठीक है। तो इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको क्रिएट करके पूछेगा, देखिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे। मेन मेन आपको जो पूछता है उसी को हमने यहाँ लिखा है और ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, यही कॉमन क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको कॉमन क्वेश्चन ही बार बार पूछता है यहाँ से, इसीलिए जितना इसमें लिखा है उतना आप पढ़ लीजिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुदी या अन्नामलाई, और वो कहाँ पे है, केरल में है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेट्टा है और वो अन्नामलाई की ही पारी जो नीलगिरी पर्वत पर तमिलनाडु में स्थित है। अब आ जाए अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो सैंडल पिक, क्या नाम है, सैंडल पिक, सैंडल की तरह दिखता है, सैंडल मतलब जान ही रहे हो तुम लोग, चप्पल जो महिला लोग पहनती है, ठीक है। उसके बाद जबकि लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, नारचो है, लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी, ये सब डायरेक्ट पूछ देता है कि लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो नारचो। सतपुरा की पहाड़ी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो कि पंचमढ़ी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो पूछेगा कि इनमें से कौन सा नवीन पर्वत श्रेणी है, तो याद रखिएगा हिमालय क्या है, नवीन पर्वत श्रेणी है, जबकि आपका सबसे पुराना पर्वत श्रेणी देश में कौन सा है, आपका अरावली, और वहीं पे आपका क्या है, माउंट आबू राजस्थान में है, और वहीं पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। तो ये सब प्रश्न डायरेक्ट रूप से पूछे जा सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बिहार के पहाड़ के क्षेत्रों के बारे में जानेंगे, और बिहार का जो भी पहाड़ी एरिया है वो नेपाल बॉर्डर के एरिया पे होगा, और ख़ास करके उत्तर पश्चिम जो आप देख पा रहे होंगे मैप में यहाँ पर, तो ये वाला जो एरिया है यहीं पे आपका पर्वत श्रेणी है, ठीक है, इधर नहीं है। फिर इधर छोटे छोटे पर्वत, खड़गपुर की पहाड़ी जैसे मुंगेर में है, खड़गपुर का नाम सुने होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है, ये थोड़ा सा हम बड़ा करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, देखो ये जो एरिया है ये सोमेश्वर की पहाड़ी, सबसे आप देख रहे हैं उत्तर पश्चिम पार्ट में सोमेश्वर की पहाड़ी है, और ये नेपाल बॉर्डर टच करता है पश्चिम चंपारण में, ठीक है। उसके नीचे शिवालिक पहाड़ी श्रेणी है, उसके बाद यहाँ हरहा नदी घाटी दून घाटी कहते हैं। अब कहोगे देहरादून सब नाम सुनता हूँ, दून क्यों लगता है, जब दो पहाड़ों के बीच का जब समतल एरिया होता है उसको दून कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। तो यहाँ पे हरहा नदी घाटी दून है, उसके बाद रामनगर दून है,
ठीक है। तो ये आपका जो भी है पहाड़ हिमालय का पार्ट है वो आपके बिहार के उत्तर पश्चिम एरिया में है, और ख़ास करके याद रखना है पश्चिम चंपारण, कहाँ पे? पश्चिम चंपारण में। तो ये तो आपका एरिया है, गंगा, गंडक, कोसी, पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, ये सब जो हो गया। तो सब नदी के बारे में भी हमने बताया ही था कि सबसे उत्तर पश्चिम में यूपी के बॉर्डर पे घाघरा नदी है, उसके बाद गंडक बहती है, फिर इधर आ करके आपको जो है गंगा नदी ये बीचों बीच बिहार को दो भागों में बांटती है। और यहाँ पर देखिए मुंगेर के तरफ कौन सा पर्वत श्रेणी है आपको? खड़गपुर की पहाड़ी, ठीक है। कौन सा है? खड़गपुर की पहाड़ी। इधर आपके कॉर्नर में यह पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में। और यहाँ पे भी पर्वत श्रेणी है, मतलब छोटा पठारी भाग है, कैमूर का पठार जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन है, शुष्क पर्णपाती, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गर्मी पड़ता है, वर्षा कम होती है, इसलिए शुष्क पर्णपाती वन है, शुष्क पर्णपाती वन है। तो कैमूर का पठार, ये भोजपुर का मैदान है जहाँ गंगा नदी प्रवेश करती है चौसा के पास बक्सर में, उसके बाद ये मगध का मैदान है, गया पटना का एरिया, ठीक है। खड़गपुर की पहाड़ी है, यहाँ कोसी नदी है और यह एरिया हर हमेशा बाढ़ प्रभावित रहता है। इधर महानंदा नदी है सबसे पूरब में बिहार के, और बीच का एरिया कोसी महानंदा दोआब कहलाता है, ठीक है। गंडक और कोसी नदी के बीच का दोआब कहलाता है, गंडक कोसी नदी। तो ये सब दोआब जो दो नदी के बीच का एरिया होता है, तो दोआब से भी प्रश्न कई बार पूछ दिए जाते हैं। तो अपना एक रोड मैप जो नदी का है वो अगर आपको पता है तो आप आराम से उसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब मेन जो पर्वत श्रेणी है बिहार में उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे ऊपर में आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी है, उसके बाद आपका सोमेश्वर श्रेणी है, उसके बाद हरहा घाटी या दून घाटी है, उसके बाद है आपका रामनगर दून की पहाड़ी। तो यही आपका मेन रूप से बिहार में पहाड़ी है, पहाड़ मतलब पर्वत श्रेणी है। अब देखेंगे यहाँ पे सोमेश्वर की श्रेणी क्या है उसके बारे में। यह बिहार की सबसे उत्तरी श्रेणी है, सबसे पूछेगा ऐसे प्रश्न कि सबसे उत्तर में कौन सी श्रेणी है बिहार का, तो सोमेश्वर श्रेणी। क्या याद रखना है? सोमेश्वर की श्रेणी सबसे आपके उत्तर में है, ठीक है। तो बिहार का सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सा है? सोमेश्वर की श्रेणी। देखो जब भी मैप होता है तो ऊपर में उत्तर रहेगा, इधर आपका दक्षिण, इधर पूरब, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ये तो आपको पता है। तो सोमेश्वर की श्रेणी जो है यह बिहार की सबसे ऊपरी श्रेणी है, ठीक है। और इसका विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर से, पश्चिम में, और त्रिवेणी नहर है कहाँ पे? तो पश्चिम चंपारण में। त्रिवेणी नहर जो है किस नदी पे बना हुआ है? तो गंडक नदी पर, ठीक है। तो इसका विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के पूरब से लेकर के बिकना ठोरी दर्रा तक है, और इसकी लंबाई लगभग कितनी किलोमीटर है सोमेश्वर श्रेणी का? तो 75 किलोमीटर है, और चौड़ाई कितना है? तो 5 से 6 किलोमीटर। तो यहाँ से निश्चित तौर पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो ऐसे पूछा जाएगा कि सबसे उत्तरी श्रेणी बिहार का कौन सा है पर्वत का, ऐसे पूछेगा, ठीक है। और कहाँ से है कहाँ तक, ये याद रखना है। और चौड़ाई इसका कमी है, 5 से 6 किलोमीटर ही चौड़ी पट्टी है, जबकि लंबाई इसका ज़्यादा है, 75 किलोमीटर, ठीक है। और यह बिहार को नेपाल से अलग करता है, ठीक है। नेपाल को बिहार से अलग कौन करता है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी। और इसी का सबसे ऊंची चोटी, इसी सोमेश्वर की पहाड़ी में सोमेश्वर किला कहलाता है, अवस्थित है, 880 मीटर ऊंचा है ये। जो सोमेश्वर की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कितनी लंबी है? 880 मीटर, ज़्यादा नहीं है। और इसी में सबसे ऊंचा स्थल जो है सोमेश्वर का किला अवस्थित है। इस श्रेणी में नदियों के अपरदन से अनेक दर्रे का निर्माण हुआ है। जैसे दर्रा होता है दो पहाड़ों के बीच का गैप। जब जैसे मान के चलो ये पहाड़ है, अगर नदी बहेगी तो वो क्या करेगा कि वो कटाव कर करके वो दर्रा बना देता है, दो पहाड़ में जगह बना देता है। तो भिखना ठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, ठीक है, ये सब यहीं पर आपको देखने को मिलता है। ये दर्रे बिहार और नेपाल के बीच यातायात हेतु मार्ग प्रदान करते हैं। तो बिहार से जो नेपाल जो जाया जाता है उसी दर्रा के बीच से। अब आ जाइए हरहा घाटी या दून घाटी। सोमेश्वर और रामनगर दून के मध्य स्थित घाटी को देखो, यहाँ पे हमने बताया था सोमेश्वर की घाटी और उसके बाद आपको हरहा नदी घाटी है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है देखिए, हरहा घाटी या दून घाटी,
दून मतलब ही होता है दो पहाड़ों के बीच का समतल भाग, ठीक है। तो सोमेश्वर और रामनगर दून के मध्य की घाटी हरहा नदी घाटी या दून घाटी कहलाती है और इसकी लंबाई 24 किलोमीटर है। रामनगर दून पहाड़ी सोमेश्वर श्रेणी के सबसे दक्षिण में आपका रामनगर दून स्थित है, यानी सबसे निचले वाले पार्ट में, और इसकी लंबाई 32 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 8 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 214 वर्ग किलोमीटर है और इसकी अधिकतम ऊंचाई संतपुर के निकट 242 मीटर है। किसका? तो रामनगर दून की पहाड़ी की सबसे ऊंचा चोटी जो भी होगा संतपुर के निकट है, वो है 242 मीटर। तो बिहार स्पेशल का भी आपका हो गया पहाड़, इसी में से कोई प्रश्न पूछ देगा और भारत के भी पहाड़ पर्वत श्रेणी में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो यह टॉपिक मुझे लगता है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही सब प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, इससे बाहर पूछने की संभावना बहुत ना के बराबर है, ठीक है। तो जो लोग क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप डाउनलोड करें, कोर्स को बाय कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।